नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं भैया। इस समय है ना जो पूरे इंडस्ट्री में हरा 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 ही दिख रहा है। और हरा क्यों है, और हरा का बवाल इसलिए है क्योंकि दो दिन में 5 मिलियन हो चुका है। ये बगल में जो साहब जी हैं ये हरा नहीं पहने हुए, लेकिन हरा हरा यही किए हैं। कैसे हैं प्रियांशु भाई? बहुत अच्छे हैं। और इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे घर के परिवार के लोग देख रहे हैं, सबको छोटे भाई प्रियांशु सिंह का प्यार भरा नमस्कार। हरा 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 हर जगह हरा ही दिख रहा है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरी 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 हरी, बस हरा 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 भरा ही रहना चाहिए। और हमेशा इंसान प्रयास करता है कि हरा भरा माहौल बना के रखे जी। पावर स्टार पवन सिंह के साथ जब भी कुछ लाते हैं, ये वाला यूनिक अंदाज है, थोड़ा सा डिफरेंट है और कई सारे कॉन्ट्रोवर्सी भी है। कॉन्ट्रोवर्सी की बातें बाद में करेंगे। ये हरा हरा स्टाइल कैसे आया कि हरा हरा ऊपर को भी लेकर गाना बनाया जा सकता है और इस तरीके का ब्लास्ट कर सकता है, थोड़ा कजरी फील वाला भी आ रहा है। देखिए, ये पारंपरिक धुन है और ये पवन भैया का ही गाया हुआ धुन है, नथुनिया पागल कहले बा। तो दिमाग में अचानक से आई ला कि ऐसा कुछ लोकगीत बनावल जाओ और आशुतोष तिवारी बाबा के लिखल गाना बा, हम बाबा रहनी धीरज बिहारल हैं। बैठा रहनी है तो दिमाग में अचानक से बनल कि कुछ ऐसा गाना हो सका था और प्रयास कहनी है कि कुछ अच्छा गाना आप सबके बीच में परोसी जी। एक बात बताइए, थोड़ा सा आप गाते भी हैं, जरा गाइए ना जो डिंपल सिंह के अंदाज में इन्होंने तो हरा पहन के पूरा ओढ़नी ही हरा कर दिया है। कि काहे पीछा परल बाड़ हमारे पमरल बाड़ कि मठा फूकी पियता र दूध से काजरल बाड़ तो के कर जगवलु हो भगिया गोरी तो कहा बुतवलु हो अगिया गोरी कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवन बगिया ए गोरी। बलंडर वाला कौन बोलेगा जी? कि बलंडर वाला कौन बोलेगा ये बताइए। केले तक टेंडर हो पी के बलंडर, बहुत अच्छा अच्छा लाइन भाई गाना में, और ये गाना हर एक लाइन वायरल बा और हर एक लाइन बहुत अच्छा। अच्छा, डिंपल सिंह के साथ बड़े दिन के बाद आते हैं, इसके गाने का फाइनल कौन किया? कौन कौन डिंपल सिंह को फाइनल किया पवन सिंह के साथ, ये बताओगे आप? देखिए, पवन भैया खुद चूज करते हैं कि हमारा किस गाने के लिए किनको रखना है नहीं रखना है। और बाकी बात पवन भैया के अंदर ये है कि वो पहले ही जानते हैं किस गाने में किसको काम कराना है, चाहे किसको गवाना है नहीं गवाना है, चाहे किनके साथ म्यूजिक करना है, किन से लिखवाना है, ये उनका आइडिया रहता है, तो उनका ही आइडिया बोल सकते हैं। कितनी बार में गाना सेलेक्ट हुआ है, सच्ची सच्ची बताइएगा? पहली बार में। क्या बात करें, पहली बार में आपने जो धुन बना के भेजा, मतलब लिरिक्स आया होगा तो उसका धुन बना के भेजा, पहली बार में ओके? भैया का मिजाज ही यही है, और भैया का जब मिजाज ही यही है तो हम क्या बोल सकते हैं। हमको नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा गाना बनाए हो जो कि भैया रिजेक्ट किए हो आज तक, तो जो भी गाना जाता है भैया उस चीज़ को समझते हैं। हाँ, करेक्शन होता है तो उसको वो ठीक कराते हैं, लेकिन रिजेक्ट वाली बात तो आज तक कभी भी पवन भैया के साथ ऐसा नहीं हुआ है मेरा। और बस प्यार आशीर्वाद उनका मिलता है और बहुत कॉपरेट करते हैं काम को लेकर।